अभी हम होटल रूम में हैं, वी विल चेक आउट इन अ वाइल। मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं जाऊँ, बट सैडली वी विल हैव टू लीव क्योंकि हमने आगे खुंजरा वैली में जाना है और फिर हम लोग वापस आकर अभी जो है आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू। सो दिस इज द व्यू आउटसाइड ऑफ द होटल। And this is the hotel room. Guys, the view is so beautiful. ज़्यादा प्यारा हूँ मैंने नहीं देखा, होटल रूम से बाहर नहीं देखा। दो स्मॉल लिटिल कार ऑन द रोड, वो भी इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और नो डाउट होम जो इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। जितनी भी तारीफें सुनी थी वो वर्थ इट थी। और अभी हम लोग करीमाबाद वैली में रुके हुए हैं, यहाँ से हम आगे जाके फिर जगह वगैरह एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद। अभी जो है ब्रेकफास्ट का टाइम है, नीचे ये सामने आई गेस बुफे लगा हुआ है ब्रेकफास्ट का, तो वो जाके करते हैं और फिर आई विल कंटिन्यू द व्लॉग। ऑल्सो ये एक मैंने हुंजा स्टाइल का ड्रेस भी पहन लिया, आई डोंट नो व्हाई। गाइस वी आर ऑन आर वे टू पंजराब वैली और यहाँ पे इतना प्यारा हमें ब्रिज नज़र आया सी वो रहा। अभी धूप की वजह से इतना सही से नज़र नहीं आ रहा, बट इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। और ये जो व्यूज़ है ना यहाँ के, दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स क्योंकि इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि जब तक आप आके देखोगे नहीं ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड द वाइब। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम अभी पाकिस्तान में हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया मैंने और अम्मी ने, और अब हम लोग जाएंगे गाड़ी में। Guys, we have entered China. This is so cool. मुझे तो पता भी नहीं था ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, पर मेरे अबू ने मुझे इस जगह के बारे में बताया, तो इट इज अमेजिंग। हाँ अच्छा, सब रुके हुए हैं पीछे भी। विदाउट वीजा जाने देंगे अंदर? नहीं, नहीं जाने देंगे, बस खड़े होके देख सकते हैं। एक घंटा गुजर गया और हमारी गाड़ी एक स्टोन से लगी क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे जा रहे थे और गाड़ी का जो ऑयल है वो सारा लीक हो गया। तो हम यहीं पे खड़े हैं एंड वी आर कॉलिंग हेल्पलाइन ताकि वो आए। वी आर ऑन आवर वे टू पंजराब पार्क, बट अब ये ऑयल लीक हो गया तो हम शायद ना जा पाएँ और हमें वापस जाना पड़े। इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो लोग आएँ और वो या तो चेंज कर दें ऑयल या कुछ भी, आई डोंट नो अबाउट कार तो इस वजह से मुझे नहीं पता ज़्यादा, बट ये एक सिचुएशन बन गई है बीच में। ऑल द ऑयल इज़ लीक्ड इसलिए हम आगे नहीं जा सकते या पीछे भी नहीं जा सकते, एक्चुअली गाड़ी को चला ही नहीं सकते क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस। अगर हमने गाड़ी को चलाया तो मसला हो सकता है कोई, तो इस वजह से हमें यहीं पे रुकना ही पड़ेगा और यही हमारा लास्ट ऑप्शन है। सो आई थॉट कि मैं अपडेट दे दूँ कि गाड़ी ख़राब हो गई है।
ऑल्सो इस तरह के लंबे सफ़र में इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि गाड़ी ख़राब हो जाती है या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। सो इट इज़ फाइन, इसको कुछ भी बुरा नहीं समझना चाहिए कि यार ये बड़ा कोई गलत हो गया हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर इज गुड इन एवरी सिंगल सिचुएशन जो आपके साथ होती है, तो आप इसको हमेशा अच्छे से डील करना चाहिए कि यार ठीक है हम किसी बड़ी सिचुएशन से बचे हैं, इस वजह से हमारे ऊपर ये छोटी सी यू नो प्रॉब्लम आई है, तो इसको इस तरह से डील करना चाहिए, इस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हमारे साथ ही गलत हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो अब जब गाड़ी ठीक हो जाएगी या हमें कोई हेल्प वगैरह मिलेगी तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी कि क्या हुआ है। अभी के लिए तो वी आर जस्ट वेटिंग, पर जो भी बोलो व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है। लेट मी शो यू। तो गाइस हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी एज यू ऑल नो ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आए हैं, पुलिस हमें यहाँ पे बिठा के चली गई। देवर लाइक के दूसरी कोई कार आई और हम उसमें बैठ के जो है ऊपर जाएंगे खुंद्राब वैली देखेंगे और फिर हम लोग वापस सोच चले जाएंगे जो कि स्टार्टिंग थी खुंद्राब वैली की। वहीं पे आई थिंक हम लोग स्टे करेंगे जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती, और बस दैट इज़ द अपडेट। गाइस 15 मिनट पहले हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। अगर 15 मिनट गाड़ी अगर ना ख़राब होती तो हम 15 मिनट में पहुंच भी जाते। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली जो गाड़ी हमें ऊपर लेके जाने के लिए आने वाली थी वो आ चुकी थी, और उसी गाड़ी में मैकेनिक थे जिन्होंने नीचे खड़ी हमारी गाड़ी को भी सही किया, और दूसरे वाले हमें ऊपर लेके गए खुंजराब पास दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा इतनी दूर आए हो तो आप लोग देखे बगैर नहीं जाना। सो दीज आर द व्यूज़ एंड दे आर ब्यूटिफुल। ये अभी तक की सबसे प्यारी जगह थी जो मैंने देखी है, बट इतनी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से हम सब बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, बट स्टिल बहुत मज़ा आया। गाड़ी हमारी सही हो गई और हम लोग वापस आ गए हैं। सो